क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जब भी अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिलते हैं, या अपने किसी न्यू कलीग से मिलते हैं, या अपने किसी न्यू बैचमेट से मिलते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को अगर हम अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं या अपने को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे करते हैं या कैसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट अ पर्सन इन इंग्लिश, बिकॉज दैट टाइम वी स्टार्ट हेजिटेटिंग। क्योंकि जब हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कशन करते हैं तो हमें तो अपनी बात रखनी होती है, तो उसमें हम लोग बहुत आराम से अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं कि वेल आई थिंक लाइक दैट। बट जब भी हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो वी जस्ट ट्राई टू हेजिटेट, तो उसी समय हम हेजिटेट करते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे स्टार्ट करें या हम क्या बोले, या अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे तो इसको इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, एंड वी स्टार्ट हेजिटेटिंग। बस यहीं पर आपकी गलती होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं सो यू हैव टू गिव अप योर हेजिटेशन। आपको अपना हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर मदर टंग। आपको थोड़ा बहुत एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, एंड यू हैव टू फोर्सफुली स्पीक टू योर फ्रेंड, अदरवाइज टू योर नेबर्स और टू योर नोन और फेमिलियर पर्सन इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वाइल टॉकिंग और वाइल विशिंग अ पर्सन और वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। सो वेल फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट, एंड आई विल टीच यू बाई गिविंग सम एग्जाम्पल्स दैट हाउ टू टॉक इन इंग्लिश और हाउ टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन इन इंग्लिश, अदरवाइज हाउ टू विश अ पर्सन। ओके, एंड माई मेनी स्टूडेंट्स दे हैव रिक्वेस्टेड दैट मैडम मेक अ वीडियो, सो वेल फ्रेंड्स टूडे इट इज दैट वीडियो। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज ऑलरेडी आई हैव रिटन, जैसा मैंने पहले लिख रखा है टॉप पर, हाउ टू विश एनी वन, एंड सेकेंड वन हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और अदर्स। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, पहले हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं, हाउ टू विश एनी वन। सो वेल फ्रेंड्स, जस्ट सपोज दैट इफ देर आर टू पर्सन और इफ देर आर टू फ्रेंड्स एंड यू मीट लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट इज कॉल्ड दैट इफ यू कम अक्रॉस योर ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग, सो हाउ विल यू टॉक टू हिम इन इंग्लिश और हाउ विल यू स्टार्ट चैटिंग, स्टार्ट विशिंग अ पर्सन। सो वेल आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको कि आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इनको हम ग्रामेटिकली कैसे बनाएं, ये इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स विच आर जनरली यूज। सो वेल फ्रेंड्स, वी विल सी दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस और हाउ टू विश। सो आई हैव टेकन एग्जाम्पल लाइक जस्ट सपोज दैट यू आर लकी एंड यूर फ्रेंड्स नेम इज आयुष्मान, अदरवाइज इफ यूर फ्रेंड्स नेम इज लकी एंड यू आर आयुष्मान, सो विद दैट आई हैव रिटन ऑल। वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं और इनको आपको अगर आप स्पीक करेंगे या अगर आप किसी अपने फ्रेंड से मिले और आप उसे इफ़ यू स्टार्ट चैटिंग इन इंग्लिश, सो इट विल गिव अ वेरी नाइस इम्प्रेशन टू अदर्स आल्सो एंड यू विल आल्सो फील अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल टॉकिंग। सो जस्ट सपोज दैट इफ लकी कम्स अक्रॉस यू आफ्टर अ लॉन्ग, सो हाउ विल यू टॉक। सो जस्ट सपोज कीजिए कि लकी ने कहा, ओ हाय, हाउ आर यू, just see the accent and the expression, you have to talk in such a manner so that other person can understand that yes, whatever you are talking by heart, it should not look that you are forcefully trying to translate in English. So well friends, as it is written that lucky will say, lucky kehta hai, oh hi, how are you, and second friend Ayushman kehta hai, oh hello, I am fine, thanks, and you, because when somebody is asking about your health, so it is our duty to ask about him also. So oh hello, I am fine, thanks, and you, otherwise you can ask what about you, and what about you means oh hi, how are you, tum kaise ho, and English mein friend bhi answer dega, oh hello, I am fine, main to acha hu, thanks, dhanyawad, and you or aap, and what about you, aur aap apne bare mein bataye, lucky, I am also perfect. If a person like, because generally friends they are not that much formal, so they generally become or they start talking, oh I am perfectly all right, don't worry and all this. So I am also perfect, yeah I am also fine, yeah I am also well. I have written 2-3 examples so that you can use any of them. So I am also perfect or I am also fine, yeah I am also well. And how is life? Because if you, how are you? This is common. So okay, once I have used that, how are you, and you can ask that how is life, as Lucky will say. Otherwise, how is life going on? मतलब आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, या आपकी दिनचर्या कैसी है, या आप अपने लाइफ को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं. So Ayushman will say that all is well bro, because these are very common. This is very common word that hi guys or well bro. So all is well bro.
preparing for exams. I am preparing for exams. It is written in short that Ashwan will inform you that I am preparing for exams. मतलब मैं तो अच्छा हूँ और मैं prepare कर रहा हूँ exam के लिए. So okay. Lucky will say that oh so nice to hear that. अरे मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा. Oh so nice to hear that. All the best for the exams. If somebody is preparing for any good thing or if somebody is preparing for any noble cause, so it is our prime most duty to wish him all the best. So oh so nice to hear that. All the best for examination bro. Ayushman. Okay, nice to see you after long. Nice to see you after long means आप बहुत दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई या तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई. Okay, nice to see you after long. Lucky, same here. This is very common because many students they ask that madam same here why we are using. So same here in the sense like आपको जैसा feel हो रहा है मुझसे मिलकर मुझे भी वैसा ही feel हो रहा है आपसे मिलकर. So same here friend. Okay, got to go. This is very common word. Got to go means मुझे जाना है यानी मैं कहीं जाने के लिए late हो रहा हूँ. Okay, got to go. Catch you later. मतलब तुमसे बाद में मिलता हूँ. Catch you later. आयुष्मान will say okay. See you soon. Be in touch. Okay. See you soon. Be in touch. So these are very common sentences, small sentences by which you can interact your friend to your known person and you can feel a kind of confidence while talking to him in English so that you can remove your hesitation. So okay, you take screenshot of this and then one more other example I will give you. Well students, वी विल टेक ऑन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेंगे. अगर आपने किसी ऑफिस को जस्ट ज्वाइन किया है और आपके किसी अदरवाइज किसी और ने आपके ऑफिस को ज्वाइन किया है और आप एज ए कलीग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या एज ए न्यू स्टाफ मेंबर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इन दैट केस हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो जस्ट आई हैव टेकन एग्जाम्पल महेश एंड सुरेश. सो जस्ट यू कैन इमेजिन दैट इफ़ यू आर महेश, सो इफ़ यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, सो हाउ यू विल स्टार्ट. So if you are Mahesh, so you will say that hello, I am Mahesh, your colleague. Hello, I am Mahesh, your colleague. Because nowadays shaking hands is not allowed. It is so okay. Well, we can introduce like that hello, I am Mahesh, your colleague. And the new member just imagine that his name is Suresh. So oh hello, myself Suresh. Otherwise this is Suresh, your new staff member. Oh hello. Myself Suresh, otherwise this is Suresh, your new staff member. While introducing, you have to put smile on your face because smilingly you have to introduce yourself. You have not to sulk, you have not to make face because your this impression is going to be in his brain or in his memory forever. Okay, well now next Mahesh, if you are Mahesh, so you will say that glad to meet you, otherwise nice to meet you, otherwise pleased to meet you. Happy to see you. There are four options. Glad to meet you, nice to meet you, pleased to meet you, otherwise happy to see you. Then Suresh will answer that same here, how do you do? And in answer, how do you do? Students, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हमेशा how are you और I am fine thanks उसको नहीं बोलते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमेशा हाउ डू यू डू और उसके आंसर में भी हाउ डू यू डू ही बोला जाता है. अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ डू यू डू, सो इन दैट केस एज आंसर यू आल्सो हैव टू से दैट हाउ डू यू डू. यू हैव नॉट टू से दैट आई एम फाइन थैंक्स. ओके, सो एज आई हैव रिटन दैट सुरेश, ही विल से दैट सेम हियर, हाउ डू यू डू. महेश, हाउ डू यू डू. देन सुरेश, ओके, कैच यू लेटर. ओके, बाद में मिलते हैं. महेश, सी यू सून. Okay friends, you can take a screenshot and you have to practice with your friend or with any unknown person if you want to practice so that it you can be fluent in that and your hesitation or if you have any kind of nervousness it can be removed. So you can take a screenshot. Well friends, now let's take one more example. As it is written that introduction of your friend. Just you imagine as we have to create one situation so that we can understand that how to introduce or how to wish a person. So just you imagine that you come at your home along with your friend and your father is there and you have to introduce your friend to your father. So okay, I have written or imagine
जस्ट सपोज दैट इफ यू आर दीपक सो यू विल से दैट पापा गुड मॉर्निंग दिस इज गौरव माई फ्रेंड अदरवाइज मीट माई फ्रेंड गौरव सो एज आई हैव टोल्ड दैट स्माइलिंगली यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन सो दैट ही कैन ऑल्सो फील प्लीजेंट एंड अ पर्सन वाइल मीटिंग अ पर्सन और एनी न्यू पर्सन सो ही विल ऑल्सो फील समवॉट कम्फर्टेबल सो ओके फादर विल से दैट ओ मॉर्निंग अदरवाइज गुड मॉर्निंग हेलो सन बिकॉज वेन वी से दैट गुड मॉर्निंग सो मेनी पर्सन दे से दैट मॉर्निंग अदरवाइज यू कैन से दैट गुड मॉर्निंग हेलो सन देन इफ योर फ्रेंड्स नेम इज गौरव एज ऑलरेडी आई हैव मेंशन हियर सो गौरव विल से दैट हेलो अंकल हाउ आर यू बिकॉज ही इज योर फ्रेंड सो ही माइट बी नोइंग अबाउट योर फादर सो इट इज मीन्स इनडायरेक्टली ही नोज योर फादर सो ही कांट से दैट हाउ डू यू डू सो दैट टाइम ही विल से दैट ओ हेलो अंकल हाउ आर यू देन फादर विल से दैट आई एम फाइन अदरवाइज आई एम वेल अदरवाइज आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड वॉट अबाउट यू सन बिकॉज जनरली फादर इज देयर सो इफ ही इज मीटिंग योर फ्रेंड सो दैट फ्रेंड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड हिज सन सो दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट आई एम फाइन अदरवाइज आई एम वेल अदरवाइज आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड वॉट अबाउट यू सन गौरव देन गौरव विल आंसर बिकॉज इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ गौरव सो गौरव विल से दैट विथ योर ब्लेसिंग्स मीन्स आपके आशीर्वाद से एज इन इंडियन कल्चर वी ऑलवेज से दैट आपकी दुआ से या आपके आशीर्वाद से सो विथ योर ब्लेसिंग्स आई एम ऑल्सो फाइन अंकल विथ योर ब्लेसिंग आई एम ऑल्सो फाइन अंकल एंड यू हैव टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स विथ सम कर्टसी ओके सो दीपक विल से दैट वी विल हैव टू टेक लीव नाउ मीन्स अब हमें जाना होगा वी विल हैव टू टेक लीव नाउ सो देयर आर सो मेनी अदर सेंटेंसेज विच यू कैन यूज बट एज आई हैव टेकन इट एज टू इंट्रोड्यूस और हाउ टू विश अ पर्सन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट बट वट एवर यू वॉन्ट टू एड यू कैन एड बट बिकॉज इट हैज़ टू बी शॉर्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू हाउ टू विश एनी वन अदरवाइज हाउ टू इंट्रोड्यूस एनी वन लेटर ऑन इट डिपेंड्स ऑन यू दैट इफ वट एवर सेंटेंसेज यू वॉन्ट टू एड यू कैन एड बट बिकॉज आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओनली अप टू इंट्रोडक्शन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली दिस मच सो ओके दीपक विल से वी विल हैव टू टेक लीव नाउ फादर विल से ओके सन कम सून ओके बेटा ठीक है कम सून में जल्दी आना गौरव ग्लैड टू मीट यू अंकल गुड बाय मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई अंकल गुड बाय देन फादर विल से दैट सेम हियर सन कीप कमिंग मीन्स आते रहना एंड गुड बाय मेनी स्टूडेंट्स दे ऑलवेज से दैट गुड बाय मीन्स अलविदा मीन्स आप कभी नहीं मिलेंगे बट इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज इफ यू आर मीटिंग अ पर्सन फर्स्ट टाइम वाइल गोइंग यू कैन से गुड बाय इट विल नॉट बी रॉन्ग सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फ्रेंड इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड वेल फ्रेंड्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट व्हेन आई विल मूव फ्रॉम हियर बट बिफोर दैट आई वुड रिमाइंड यू दैट यू हैव टू लर्न इफ यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज सो यू विल हैव टू मेक योर ओन एफर्ट्स टू स्टार्ट स्पीकिंग सम लाइन्स आपको छोटे छोटे कुछ कुछ वर्ड्स आपको बोलने ही पड़ेंगे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि एक दिन आप जागे और आप तुरंत इंग्लिश फ्लॉलेसली बोलना शुरू कर दें यू विल हैव टू मेक लॉट्स ऑफ एफर्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड टू रिमूव योर कन्फ्यूजन टू गेन कॉन्फिडेंस बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस और विदाउट रिमूविंग और विदाउट पुशिंग योर लिमिट्स यू कांट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज दैट्स व्हाई वॉट एवर सेंटेंसेज आई एम टेलिंग यू कीप राइटिंग कीप प्रैक्टिसिंग विथ योर फ्रेंड अदरवाइज अगर आपका कोई फ्रेंड इस समय लॉकडाउन के समय नहीं अवेलेबल है आप मिरर से बात कीजिए आप अपने किसी छोटे भाई बहनों से बात कीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जैसा कि मैं आपको बार बार बतला रही हूँ कि इस लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होने वाली है अभी आप घर में हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये लैंग्वेज की सीखने की क्या ज़रूरत है बट फ्रेंड्स देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग एंड वी हैव नॉट टू गिव अप learning because life never stops teaching so we have to continue learning as life teaches us so well friends if you are watching my channel for the first time so please subscribe my channel if you like this video so like share comment and keep writing or keep suggesting me for what I need to make one video so that it can enhance your knowledge of English thank you friends stay at home stay safe and keep learning good night friends